नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वीडियो स्क्राइब का ट्यूटोरियल लेके आया हूं, लेकिन साथ में आपको बता दूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप इसे सीख लेते हैं एडिटिंग की दुनिया में। तो आप जाके देखिए फाइवर पे कितने सारे लोग छोटी छोटी वीडियोस बना के कितना अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोकल लेवल पे बात करें, जब खुद अपना हाथ पांव मारेंगे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि हर कंपनी को, हर एक को एक अपना एनिमेटेड वीडियो चाहिए होता है। तकरीबन 15 से 20 सेकंड की वीडियो का आप वहां पे लाइक 4-5 हजार रुपए कमा सकते हैं। और कितना अच्छा ऑप्शन है एक वीडियो सब्सक्राइब सीख के, जिसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो ये पूरी ट्यूटोरियल मैंने इसके लिए बनाई है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारा एक कोर्स ज्वाइन किया हुआ है लाइक वी मेक क्रिएटर्स का, उनके लिए तो कंप्लीट मैंने 3 घंटे का ट्यूटोरियल शॉर्ट आउट वीडियो में बनाकर रखा है। जिनमें दिक्कत है वो सारी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है वहां पे, और ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहता हूं, क्योंकि पूरी टीम मेरी इसी चीजों पर लगी रहती है। जो भी यूट्यूबर्स आते हैं वो कहते हैं यार तुम इतना मैनेज कैसे करते हो एक्सपेंस। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मैं जीरो कॉस्ट पे बिलीव रखता हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस, कि जय सबका भला हो बस काम चलता रहे। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको क्रोम में लेके चलता हूं। क्रोम में हम लोग सर्च करते हैं यहां पे वीडियो स्क्राइब। देखिए ऑलरेडी आ गया वीडियो स्क्राइब सॉफ्टवेयर फ्री। काफी लोग सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर फ्री में, तो ये आ गया पहला जो है videoscribe.co.in/en। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो अपने पास एक इंटरफेस खुल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट योर 7-डे फ्री ट्रायल। अब देखिए जैसे मैं इस पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फॉर्म फिलअप करने का आ गया, जहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस पे पासवर्ड अपना, फिर यस प्लीज ईमेल मी टू द ट्रिक एंड आई एग्री टू स्पगल एंड क्रिएट अकाउंट। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, वैसे मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। एंड जैसे आप क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलिए कोई बात नहीं, मैंने ये पहले डाल रखा है, मैं दूसरे से डाल लेता हूँ। एंड देन मैं यही सब में पेस्ट कर लेता हूँ। ओके अब कह रहा है योर फ्री ट्रायल अकाउंट इज रेडी एंड देन डाउनलोड फ्रॉम विंडो 64-bit। आपका देख लीजिएगा लैपटॉप, आपका इसमें मैकबुक है तो वैसे तो इसमें ये रहा, अगर आपका 32-bit का है तो ये और 64 का है। जैसे आप डाउनलोड क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद सीधा आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। मैं इसको पहले साइन आउट कर देता हूँ, यहाँ पर भी आपको साइन इन मांगेगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, आप वीडियो स्क्राइब करके ऐप होगा वो सीधा ओपन करेंगे और ये चलिए देखते हैं ये खुल जाता है। और ये खुलने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, जो आपने वहाँ भी लाइक यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया था। तो मेरा पहले से ऑलरेडी पेड अकाउंट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है तो मैं वो फिल कर देता हूँ। एंड पासवर्ड एंड मैं चलो रिमाइंड में कर लेता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा आपका। ये न्यू वाला वर्जन है, बहुत से लोगों के पास पुराना वाला है, तो पुराने वाले में नए वाले में काफ़ी डिफरेंस आपको पता है। मैंने 400 से भी ज़्यादा वीडियो स्क्राइब पे बनाई है, तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वीडियो स्क्राइब का, बहुत फास्ट मैं क्रिएट करता भी हूँ। तो इस चीज़ों पर बड़ा फोकस करिए कि पुराने वाले इंटरफेस में काफ़ी चीज़ें नहीं हैं जो नए वाले में हैं। सबसे पहले क्रिएट अ न्यू स्क्राइब पे चलते हैं। ये एक आपके पास एक लेयर खुल जाता है जो कि बड़ा अच्छा सा दिखता है और बहुत बढ़िया सा ये इंटरफेस है। ये आपकी जो साइज़ दिख रही है ना यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन, ये 1280x720 का फ्रेम है, पूरा जो आपका यूट्यूब फ्रेम होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे मैं एग्जांपल कि मैं बोलता हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमरीश, तो ऑब्वियसली मुझे एक अमरीश नेम का टेक्स्ट चाहिए, तो ये टेक्स्ट होल्डर है। टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको लिखना है, जैसे मुझे अमरीश लिखना है तो मैं अमरीश लिख देता हूँ साहब, अमरीश लिखा। आपको फॉन्ट कैसा चाहिए, तो आपको फॉन्ट अलग चाहिए तो मैनेज फॉन्ट में जाएंगे,
वेरियस फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो प्लस पे क्लिक कर लीजिए एंड देन ओके। पहले वो फॉर्मेट को जो फॉन्ट है उसको डाउनलोड कर लेता है एक बार, फिर हर बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रियल फॉन्ट है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। सॉरी, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है दोस्त, मैं आपको बताऊँ इस फील्ड में, क्योंकि अगर आप वीडियो स्क्राइब पे वीडियोज़ बनाते हैं, मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में, लाइक फाइवर पे आप काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लाइक बिजनेसेस होते हैं। अगर आप ग्रुप बनाएंगे लाइक फेसबुक पे कि भाई हम एनिमेटेड वीडियो बना के आपके बिजनेस के लिए लेके आते हैं, एक एक वीडियो का 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये ले चार्ज करते हैं सीरियसली, तो आप इस चीज़ से बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी वॉइस मॉड्यूलेट डाल के, और वो कंटेंट उन्हीं का होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, कंटेंट उन्हीं का, बस उन्होंने दिया पेस्ट किया और बस वीडियो सब्सक्राइब बन गई। तो देखिए अमरेश मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो जहाँ भी आप रखना चाहते हैं, रखने के बाद उसको कैमरा सेट जरूर करिए, नहीं तो उसका फ्रेम चेंज हो जाता है। जैसे आप सेट कैमरा कर देंगे वहीं पे वो प्ले होगा। अब देखिए बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे ये प्ले का ही ऑप्शन है, प्ले फ्रॉम द करंट एलिमेंट, देखिए प्ले किया अमरीश लिखा हुआ आ गया। उसके बाद अब ये वो तो अपने आप हट जाएगा, जब जब उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो चला जाएगा। हाँ, उसके बाद अब मान लीजिए अपने पास इसका जो एंगल है, एक सेकेंड, यस, अब नेम आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, कुछ पिक्चर्स चाहिए, चलिए कुछ पिक्चर्स इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इन द सेंस आप बाहर से भी ले सकते हैं, ऑलरेडी इसमें भी अवेलेबल रहता है, वो लोड कर रहा है, प्लीज़ वेट फॉर द मोमेंट। बहुत सारी पिक्चर्स हैं इनके पास, आप देखते होंगे मेरे वीडियोज़ में महात्मा जी टेक्निकल पे, तो बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं वहाँ पर। यस, अब मुझे यहाँ पे एरो है, बिल्डिंग्स है, ये इमोजी, मनी, पीपल, पीपल में चलिए मैं इसको ले लेता हूँ भाई साहब को, यहाँ मैंने इसको लेके यहाँ पे डाल दिया। बस सिंपल प्रोसेस है, उसी से एंगल चेंज करना होता है, जहाँ भी आपको रखना है, मौज में है, घूम रहे हैं, इधर से ले लीजिए यहाँ पे ऐसे। फिर इसको क्या करना है, कैमरा सेट, कैमरा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। अब देखिए इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, इस पर्सन को शुरू से प्ले कर लें क्या एक बार, चलिए अमरीश पे क्लिक करके शुरू से प्ले कर लेते हैं। शुरू अमरीश आया एंड देन उसके बाद ये भाई साहब, अच्छा ये पेंसिल से आ रहा है, बड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, बड़ा गंदा सा लग रहा है, ले वो पेंट करे, वैसे आपको अच्छा लग रहा होगा अगर पहली बार देख रहे होंगे तो, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अलग स्टेप में है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ खुलने पे आप देखिए ये है एनिमेट, कि कितने सेकंड में वो बनेगा, जो हाथों से कर रहा था ना वो 8 सेकंड में बना है। अगर आप इसको और कम कर देंगे तो ये देखिए 1.5 सेकंड में हो गया, मैं दिखाता हूँ प्ले करके दोबारा, देखिए अभी तुरंत बन जाएगा ये देखिए, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ बताता है। अगला है पॉज, कि मतलब जो ये वाला फ्रेज है, इसके ये वाला फ्रेज, ये पोस्टर्स और एक और लाइक मैं पिक्चर ले लेता हूँ कोई सा भी, ये वाला ले लेते हैं, और ये इसके बीच में आने का गैप, मतलब ये वाली पिक्चर आने के बाद ये वाली पिक्चर कितने देर में आएगी, वो इसका पॉज डिसाइड करता है। अगर मैं इसका पॉज लेवल बढ़ा के 4-5 सेकंड कर दूंगा तो देखिए ये बनने के बाद, ये पिक्चर पे प्ले करता हूँ एंड बनने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 अब देखिए वो बनना स्टार्ट होगा। यस, मतलब मेरा सेकंड थोड़ा फास्ट हो गया होगा। यस, तो मैंने क्या किया भाई साहब, मैंने क्या किया, इसको मैं कर देता हूँ यस, मैं इस वाले को करता हूँ, अभी इसका जो पॉज लेवल है वो मैं कम कर देता हूँ, मतलब मैं 0.5 रखूँगा तो सीधा 0.5 के बाद वो आ जाएगा, ठीक है, ये पॉज वाला भी समझ गए आप। उसके बाद इसका एक और फ्रेज होता है, वो है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब वो जो गैप जो आता है ना, कि हाफ सेकेंड के बाद ये वाली पिक्चर आएगी, ये जो बैठने वाला स्पेस है इस जगह का, वो लेकिन कितनी फास्ट में आएगा वो ये डिसाइड करता है, जब मोशन एक फ्रेम से दूसरा, वो मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है उस वाले फ्रेज में। और भी समझ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आउटलाइन ग्रे करना है, देखिए फुल कलर्ड में आ गया ये। उसके बाद आपको लग रहा था ना अभी ड्राइंग था, वो अभी हैंड रिटन आ था, मैं दिखा देता हूँ फिर भी आपको, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये देखिए अभी ड्राइंग आ रहा था। अब आप चाहेंगे कि नहीं यार ये ड्राइंग नहीं, ये कहीं से मूव हो के आए, नो हैंड, मतलब बिना हैंड ये ड्राइंग हो, तो नो हैंड पे क्लिक कर देंगे ड्राइंग हैंड पे एंड देन ओके। अब आप देखिए प्ले करके दोबारा से, जी विदाउट हैंड ये आ गया। वैसे ही अगर मैं बात करूं, अब ये वाला फ्रेज तो हो गया, दोबारा से इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, इमेज की प्रॉपर्टी में,
अब मुझे चाहिए कि नहीं यार ये मूव हो गया है, तो यहाँ पे देखिए जब ड्राइंग ऑप्शन में एक ड्रॉ लिखा हुआ है, जब चेंज करेंगे तो मूव लिखेगा, तो मूव मूव किस साइड से लाना है, राइट से कि लेफ्ट से, मूविंग एंगल मैं इधर से कर देता हूँ। तो देखिए जब मैं ओके कर दूंगा ना, तो देखिए वो सामने वाला किधर से आएगा, ये देखिए वो इस साइड से आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे ये वाला ठीक नहीं लग रहा, जैसे इसका कलर जो इसमें ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके क्या किस तरीके से बनेगा, ये प्रीव्यू ऑप्शन है बेसिकली। उसके बाद ये ग्राफिक टाइटल्स है, ब्लर कितना रखना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद ड्राइंग हैंड्स में और भी बहुत सारे हैंड्स हैं, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, अलग अलग टाइप के हैंड है। टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर दोबारा से आप चेंज कर सकते हैं टी में जाके। बेसिकली ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाला ऑप्शन यहाँ से आप क्लिक करके एलिमेंट पे सारी चीज़ें इसका बदल सकते हैं, दोबारा से री एडिट कर सकते हैं। नीचे आपको सेकंड बता रहा है, देखिए 3 सेकंड, मतलब जो नेम लिखा आएगा वो 3 सेकंड में आएगा टोटल। देखिए 1.5, 5 और 1, तो ये 1.5 और 2 हो गया, और ये 3 सेकंड टोटल हो गया। ये कितना, 6 सेकंड लेगा, क्यों, क्योंकि हमने ये 1.5 दिया है, ये हाफ एंड हाफ टोटल, मतलब उसका 3 के बाद ये 3, 6 हो गया, 6 के बाद ये 15, तो जितनी आपकी वीडियो की लेंथ होगी वो टोटल आए, मतलब टोटल यहाँ तक वीडियो 15 सेकंड की बनेगी टोटल। उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन है डिफॉल्ट स्क्राइब हैंड चाहिए, हैंड नहीं ये वाला, सॉरी बैकग्राउंड ऑप्शन। बैकग्राउंड में देखिए आपने बैकग्राउंड में ये वाला कलर लगा देना है, ये आ जाएगा। मैं दोबारा से ले चलता हूँ आपको, देखिए अब बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अगर आपको और चेंज करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट और भी डार्कनेस ला सकते हैं, ये ला लेना चाहते हैं तो ये वाला कलर ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं अपना खुद का बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ, ठीक है वो भी रख सकते हैं आप। इसी पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए इमोज, SVG फाइल, जिफ फाइल और BMP फाइल और जिफ फाइल। ये जो SVG फाइल पहले इम्पोर्ट करना सिखा देता हूँ आपको, डेस्कटॉप पर चलते हैं, कोई से भी पिक्चर लेते हैं, सपोज दैट हमारा जो अपना कोर्स है अर्न डिजिटल मार्केटिंग का, इसमें कंप्लीट वीडियो स्क्राइब का ट्यूटोरियल है, बैक टू बैक तकरीबन 3 घंटे की वीडियोज़ हैं उसमें, जिसमें प्रॉपर वे में सिखाया गया है और साथ में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, जिससे आप सीख के और बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फाइल मैंने यहाँ लगा दी, ये वाला पोर्शन में छोटा सा कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसको, यस ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब बैकग्राउंड थोड़ा अजीब लग रहा है, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं जी, यस देखिए अब ये बैकग्राउंड फॉर्म में आ गया। अब मुझे यहाँ पे इसको कैमरा सेट करना, हमेशा कैमरा सेट करना मत भूलिएगा। अब ये ना एक नॉर्मल JPEG फाइल है, तो जब इसको आप प्ले करेंगे ना साहब, तो ये नॉर्मल इसी शेप से बनेगा, स्क्रैच करते हुए आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप SVG फाइल लेंगे, SVG फाइल कौन सी होती है, ये वाली फाइल SVG फाइल जो मैंने आपको दिखाया कि अभी SVG फाइल दिखा रहा था ना, ये देखिए SVG फाइल, ये फाइल वो, ये फाइल हो, ये सब जो एनिमेटेड बने हुए ना, ये एनिमेटेड जो है, ये सारे एनिमेटेड जब प्ले करते हैं तो लगता है कि इसको बनाया गया है, जैसे अमरीश लिखा, जैसे अमरीश मैं लिख रहा हूँ तो लग रहा है ना अमरीश को स्क्रैच किया गया पूरा, ये MREESH, तो SVG फाइल वही होती है। वो आपको फ्लैट आइकन करके एक वेबसाइट है, मैं बता देता हूँ साथ में, फ्लैट आइकन करके वेबसाइट है, वहाँ से आपको SVG फाइल बहुत सारी मिल जाएंगी, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स जहाँ पे फ्री में अच्छे प्रीसेट्स कैसे ले सकते हैं, मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके दे सकते हैं। SVG फाइल बहुत सारी, जैसे कोई पिक्चर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं, मैन करके क्लिक करते हैं ना, आ गया होगा, हाँ ये देखिए, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना वेक्टर आइकन SVG, तो SVG फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो सेम वहाँ पे वो वैसा ही एनिमेट बनेगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद देखिए ये जो है, ये ग्राफ पाई चार्ट वगैरह है, लेवल एग्जाम्पल है ना, बार आइकन्स लाइंस वाले, बेसिक में चले जाइए, इनसाइट्स में चले जाइए, तो कितने आपको, जैसे जनवरी फरवरी होते हैं ना, तो JN जनवरी FEB लिख दीजिए, FAB सॉरी, माइक मेरे सामने तो दिख नहीं रहा वो टैब, ठीक है, और डेट वैल्यूज मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है लाइंस आ गई, एंड देन ओके, तो अपने पास देखिए ये लाइन आ गई भाई, वो ये डिमांड कर्व हो गया, सप्लाई कर्व, इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, सप्लाई कर्व है ये, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जनवरी फरवरी, और भी बहुत सारी हैं, लाइन में लाइन आ गई, फिर बार्स में हो गए, फिर पाई चार्ट में ये ले लीजिए, पाई चार्ट आ जाएगा बन के पूरा, ये प्रॉपर वे में मैंने अपने कोर्स में सिखा हुआ है, प्रॉपर ट्यूटोरियल, क्योंकि बहुत लंबा बन जाएगा 3 से 4 घंटे समझाने में, सो दैट्स व्हाई मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें। उसके बाद कोई पिक्चर आपको पसंद नहीं है, गए यहाँ पे कैची कट, वो चीज़ हट जाएगी, ये आदमी मुझे पसंद नहीं, कट हट जाएगा,
ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे ही प्रीसेट्स भर जाता है, आप सबको कैमरा सेट हो गया, जस्ट सिंपल साइड कर दीजिए, फिर यहाँ पे नए नए कुछ लिखना स्टार्ट कर दीजिए, नए नए पिक्चर लेना स्टार्ट कर दीजिए, नई नई चीज़ें आप ले सकते हैं। लड़की लगा दी, कैमरा सेट, फिर और भी कुछ लगा दीजिए, जो भी आपको लिखना हो। हाय, हाय लिख दिया मैंने, हाय को जितना आपको बड़ा करना है खींच के आप बड़ा कर सकते हैं, जहाँ भी लिखना है उसके साथ। उसको भी कैमरा सेट कर दीजिए, प्रीसेट चेक कर लीजिए कितने सेकंड बाद आए, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड, देन ओके। फिर आपको लगता है कि नहीं स्लाइड में मुझे इतना ही चाहिए, देन साइड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पे कुछ लिखिए। जैसा ही सब कुछ हो जाता है, अच्छा उसके बाद बताना भूल गया ऊपर ही कुछ चीज़ें, ये म्यूजिक्स हैं, ये म्यूजिक्स लाइब्रेरी है जहाँ से आप म्यूजिक, बंच ऑफ म्यूजिक ले सकते हैं। शायद आप सुन भी पा रहे होंगे, म्यूजिक्स नहीं सुन पा रहे होंगे, तो दे ऑल आर म्यूजिक्स, महात्मा जी टेक्निकल का जो मेरा पहला थीम था ना, टंग टंग, वो यहीं से लिया था मैंने। तो ये सारे फ्री हैं, बंच ऑफ म्यूजिक्स हैं, जो मिनट्स भी गिवन है सब पे, कि भाई 3 मिनट की म्यूजिक्स है, 30 सेकंड की है, तो डिपेंड्स आपको क्या चाहिए वो ले सकते हैं। फिर खुद की आप अगर चाहते हैं वीडियो स्क्राइब में ऑडियो रिकॉर्ड करना, तो आप यहीं से ऑडियो रिकॉर्ड करके भी बना सकते हैं डायरेक्ट, आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे प्रीसेट्स मैंने बता दिए। सेव करने के लिए कंट्रोल एस, या फिर आप सेव करके हमेशा रख सकते हैं। मैं अमरीश नाम के फाइल से बना के सेव कर सकता हूँ, तो ये स्क्राइब मेरे में सेव भी रहेगा, मतलब जब भी मैं ऑफ करके ऑन करूँगा तो ये मेरे इसी फोल्डर में दिख जाएगा सारा कुछ। तो ये बेसिकली, एंड देन प्रोड्यूस करने के लिए शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में, तो डाउनलोड डायरेक्ट आप यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिए जब ओरिजिनल हो तभी, इन क्विक मूवी में 720 फ्रेम होना चाहिए, 25 फ्रेम रेट रखेगा साथ में। डेस्कटॉप पर सेव है अमरीश नाम के फोल्डर में, मैं ओके कर दूँगा, बनना स्टार्ट हो गया। और ये 3 से 4 डिपेंड्स, अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 20 मिनट ले लेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनिमेट होता है पूरा, तो ये एनिमेट होके ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। मुझे लगता है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें सही से वीडियो स्क्राइब समझा पाया। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ही लाइक और भी इसमें बिजनेस करना, क्योंकि वीडियो स्क्राइब बना के आप महीने का 1-1 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि कंपनीज को चाहिए होता है उसके एनिमेटेड लाइक चीज़ें बना के, लोग सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड की। आपने फाइवर पे तो आप बंच ऑफ कमा सकते हैं, 20-20 डॉलर, 25-25 डॉलर, और महीने का 1 लाख रुपये भी कमा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, पेज लाइक फेसबुक ग्रुप बना लें, पेज बना लें जहाँ पर आप बताएं कि एनिमेटेड वीडियो के कुछ एग्जाम्पल्स डाल दें, कंपनी के कुछ बना के वहाँ पर पोस्ट कर दें कि अगर आप अपनी कंपनी का ऐसा बनाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, शादी का कुछ एनिवर्सरी का कुछ बनाना चाहते हैं, वाइफ को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इस टाइप में बड़ी चीज़ें आती हैं, क्योंकि वाइफ को कुछ बना के पिक्चर्स वगैरह कार्टून कैसे वो मिले, कहाँ पे मिले थे, थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन बना के नहीं दिया, एक एक वीडियो का 5-5, 10-10 हज़ार डिपेंड ना। ये चीज़ ऐसी है जहाँ कहते हैं ना इमोशनल की कीमत है, यहाँ तो आपका कुछ लग नहीं रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट सॉफ्ट कॉपीज बना के दे दिया, तो इस तरीके से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए हमने पूरा कोर्स बनाया है अर्न डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स है, और भी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। तो आप फ़ोन नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो स्क्राइब का ट्यूटोरियल कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल्स लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।